अगर आपने सेहत खोई, और इससे पहले मैं जैसिन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने ये वो मंदिर जाकर जैसे शंकर जी हो मंदिर गए, उनको तकलीफ होने के बाद रैंक नहीं, वो शंकर भगवान के सामने खड़े हो गए मंदिर में और दिल से रो रहे हैं कि मेरा ये बहुत तकलीफ प्रॉब्लम है, वो मूर्ति में वो क्या करें, वो हिल नहीं सकते, उनके सामने दान पेटी की पूरी रखी हुई और सामने वो भी है, उनका पुजारी भी है और बहुत सारा पैसा है लेकिन दे नहीं सकते, वो रो रहा है कि मेरा रेंट है, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, सारे लोग कहाँ जाएंगे, कोई मुस्लिम मस्जिद चला गया, वो दुआएं मारता है, सजदे कर रहा है और उसको खुदा नजर ही नहीं आ रहा, रो रहा है कि मेरा यार मैं क्या करूँ, ये मेरी मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। क्रिश्चियन वाला जाता है जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे, वो रोते रोते बोलता है यार ये इतने सारे कलेक्शन हो रहे हैं, कोई पैसे सारा जा रहा है लेकिन यार कोई मुझे थोड़ी सी ये नहीं दे रहा कि मेरा थोड़ी मदद हो जाए। अब वो बंदा घर आकर कॉल करता है, क्या करूं मैं परेशान हूं, वो 500 600 नंबर या 5000 नंबर जितने भी नंबर उसके फोन में होते हैं वो कॉल करता है एक इंसान, उससे वो शंकर भगवान सुन लेते हैं कि भी हैंड्स ऑफ दैट कि ये बंदा अब मेरी मदद करेगा, क्या प्रॉब्लम है यार मुझे रेंट के पैसे नहीं, अरे मेरे पास आना यार मैं तुझे देता हूँ 1000 रुपये। अब वो वापस सीधा मंदिर में जाता है और नारे चढ़ाता है। तो बोलने का मिसाल ये है कि खुदा भगवान ईश्वर ऊपर वाला वो चुनता है इंसानों को, चुनता है कि मैं किससे मेरा काम लूं। अगर जिंदगी में हम वो नहीं बने तो हमने जिंदगी सही से नहीं जी, मतलब हमने वो यकीदा ही नहीं बनाया उनके लिए। मेरी जिंदगी अगर मैं कुछ ये जो आपने देखा है बहुत कम चीज़ों में पता नहीं किस तरह इसको पूरा बनाया है, मेरी सारी चीज़ें मेरी माँ के लिए रफी माँ, जो तकलीफें हमने देखी है मुंबई के अंदर, यू नो जो जिस तरह से समझे जो तकलीफें हम मैंने देखी है वो आपको ईश्वर मजबूत करता है दूसरों की मदद करने के लिए, वो फौलाद बनाता है आपको और वो जिम्मेदारी देता है। आपका कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम भारत माँ के लिए भारत माँ जय के हमारे नेशनल एंथम के बाद में, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भारत माँ के अंदर माँ की कितनी मौत हो रही है, कितने माओं की मौत हो रही है। हमारे हिंदुस्तान में मैटरनिटी होम्स नहीं है, सोचे इस बात के ऊपर जिसे हम भारत माँ कहते हैं। मैं 2017 में बरेली के छोटे से गांव में जो मेरे फादर का गांव है वहाँ एक लोकेशन स्काउटिंग की ले गया था, तो एक अछूत की गलियां आ गई थी तो सारे लोग रुक गए, कोई वहां पे जाने को तैयार नहीं था। मैं जाने लगा एक घर के अंदर, एक घर के अंदर एक इंसान खून की वो ले लेके भाग गया। सॉरी आपको बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटेड है सब कुछ मेरी माँ से, मेरी माँ का सपना है जो मेरी माँ और हमारे घर में हुआ है। और ये रीजन है कि जब तक ये नोटिफिकेशन मैं आप लोग को नहीं दूंगा, शायद जितने भी हमारे मंत्री जी आए हैं यहाँ पर ये आप लोग सबको उस मालिक ने चुना है जिम्मेदारी के लिए, आप जब घर जाएंगे तो इस बात पे सोचना और अपने कॉन्शियस को क्वेश्चन मार्क करना कि अरे जिम्मेदारी मुझे उसने क्यों चुन दी है, क्यों मैं वेटर नहीं हूँ, क्यों मैं ये नहीं हूँ। जब मुझे मालिक ने मेरे घर में वो तकलीफें दी, मुझे तकलीफें दी बढ़ते तक और उस घर में मुझे पैदा किया जहाँ पे मेरे साथ ये हादसा हुआ, और जब मैं उस घर में गांव में गया जो एक एक बूढ़ा इंसान को खून की वो बाहर के बेगड़ा था, मैंने क्या हुआ है फिर क्यों लेके आए, पूरे वो प्रेगनेंट थे उनके पास में और वो उनका बच्चा जह गया, इलाज नहीं हो पाया और वहाँ पर मैटरनिटी होम्स का इलाज नहीं। हम उस देश को बोलते हैं भारत माँ, मेरे घर में भी ये हुआ, मेरे माँ के साथ भी ये हुआ, मैंने मेरा भाई खोया इससे पहले, मेरी माँ ने उसको स्टोरी सुना, मेरी ना सेम एक्सेप्ट मेरी माँ के साथ उन्होंने किया।
तो मैं मेरी माँ को तोहफा देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपने जो देखा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका रिफ्लेक्शन कभी भूलें नहीं। हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है, प्लीज आप जब घर जाए तो ये इवेंट इवेंट नहीं समझे इसे। जब घर जाए तो अपने कॉन्शियस को जरूर टूटना, तो ढूंढना उसके अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने जमीर के अंदर कि क्या लेकर जा रहे हो और क्या बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरी माँ को एक मैं तोहफा देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए, और इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए, हर एक इंसान की मदद चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट, सिर्फ आपकी मदद। मैं एक प्रोजेक्ट मदर लॉन्च कर रहा हूं आज, मेरे अम्मी के लिए, मेरे फादर के लिए, कब मैं रोना रहूं कभी। और तो हमको हमारी ये इस कोविड के अंदर पहला वेव आया, सब लोग हॉस्पिटल गए, सर्दी भी खांसी भी, उन लोगों को डर के मारे कभी वापस नहीं आए। सेकेंड वेव आया, लोग हॉस्पिटल डर के मारे नहीं गए कि उनको खांसी भी सर्दी भी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। थर्ड वेव नजदीक है, इसको सीरियस लीजिए, बहुत सीरियस लीजिए इस चीज को। और सेकेंड वेव में हमने सिर्फ हमारे माँ बापों को है, वो गए हैं घर के अंदर, सारे न्यूज चैनल्स ने उनको इतला किया, एडवाइजरी लोगों ने बताया कि आप डिस्टेंस बना के रखें, किसी से मिले नहीं। अब माँ और बाप डरते हैं कि हमारे बच्चों को ना लग जाए, तो एक कमरे में रह गए वो खांसते हुए, अपना मुंह बंद करते हुए ताकि उनके नवासों को ना लग जाए, उनके नेफ्यूज को ना लग जाए, किसी को लग जाए। और वो खांसते हुए और कीड़े मकोड़ों की तरह, अगर आपने सेकेंड वेव में देखा तो सारे लोग कैसे आ गए थे सिलेंडर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सोचने की बात है। क्योंकि जितने भी घर में थे, ये हमारे पेरेंट्स थे, जितने यंगस्टर्स थे, वो सब वैसे के वैसे ही। आप रेशियो निकाल के देख लें तो प्लीज, ये मेरा वीडियो एक मकसद है कि ये है तो हम हैं, वरना कुछ दुनिया नहीं है। तो ये मकसद जो मेरा वीडियो का था, जो मैंने बनाया है, वो ये है। और ये प्रोजेक्ट मदर मैंने इसलिए बनाया है कि हम पूरे हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया में, जहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट मदर जाएगा, उसमें हमको हमारे माँ को, जो माँ 9 साल 9 महीने तक अपने बच्चे को इतनी तकलीफ उससे पड़ा करती है अपने पेट में, और उसको उसका चेहरा तक देखने नहीं मिलता, वो रूरल एरियाज के अंदर, हमको वहाँ पर मैटरनिटी होम्स खोलना जरूरी है। Along with this, I invite all our guests, Mr. Ramesh Tripathi, Mr. Shabir Ahmad, Mr. Deepak Kapoor, Mr. Bhupesh Srivastav, Mr. Kornak Singh, Mr. Sayed Ali Mia, Mr. Joshua, and Ms. Jyoti Mahajan on stage, please. And Mr. Ashok Mahana ji. Mr. Kunal Singh sir, please on stage. Haseem ji. Asha kya? Hello. वो वीडियो बना लो ना, वीडियो बना लो नहीं, मोबाइल से आइए सर, किस साइड में आ जाएं, इधर ना, हां आइए थोड़ा सा। कैन वी स्टार्ट दिस विद ऑल आवर गेस्ट, मिस्टर शबीर अहमद सर, मिस्टर रमेश त्रिपाठी, मिस्टर दीपक सर, मिस्टर भूपेश श्रीवास्तव, मिस्टर कुमार सिंह, मिस्टर सैयद तिवारी, मिस्टर जोशा, मिस्टर ज्योति महाजन। लेट्स गिव इट अ राउंड ऑफ अप्लॉज। 100 मैटरनिटी होम्स फॉर द विमेन हु कैन नॉट अफोर्ड टू नर्स देयर ओन बेबी, बट दैट्स समथिंग आई डोंट थिंक कम्स अक्रॉस एवरी माइंड। थोड़ा पीछे सर, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। स्टार्ट वी शैल स्टार्ट नाउ।
थोड़ा पीछे सर ब्लैक कैमरा नीचे मैं चेयर को थोड़ा आगे ले लो यहाँ पर हाँ व्हील चेयर थोड़ा आगे या बस घुमा दो इधर बस 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 हर कोई लुक कैमरा या सर थोड़ा ये पीछे जाएंगे ना सब दिखेंगे अब पीछे दोनों साइड कर लेते हैं ना सर ये देखिए ज़्यादा नहीं होगा अपने जितना मिलता है थोड़ा सही पकड़ अभी आप कुछ यह सर ये साइड आ सकते सब लोग यहाँ पे देखिए पड़ेगा।